जाएगा, इसमें बड़ी आबादी है तो धन्यवाद है कि मतलब वेटर्स तो बहुत ही होंगे और कंपटीशन भी बहुत ही होगी, और हमारे में थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि हम लोग खाली वो एक ब्रांड नेम को लेकर चलते हैं और वो जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट है उनके पीछे सब भाग रहे हैं, तो न्यू कमर्स को बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हालांकि उनको अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत लोग, पर फिर भी लोग का दिमाग वही सेट है, तो अभी उनको वो ब्रेक करके खुद पे अटेंशन लाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए मैंने सजेस्ट किया था कि नए नए मीडियम यूज़ करिए और नया क्रिएटिविटी करिए, उस पर थोड़ा दुनिया में क्या हो रहा है वो भी देखिए, नेट तो अवेलेबल है, पहले नेट नहीं था, अभी तो नेट पे देख के क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सब मालूम पड़ सकता है। तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा रात भर बैठ बैठ के देखते रहो और जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से आप उसके इंस्पायर होके, मैं नहीं बोलूँगा कॉपी करो, लेकिन इंस्पायर होके फिर आप वो टाइम आपका कला दिखाइए, उसमें आपकी क्रिएटिविटी आएगी। इस टाइम 28 आर्टिस्ट हैं हमारे जो ऑल ओवर इंडिया से हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से हैं, हिमाचल से हैं, कश्मीर से हैं, दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं, कलकत्ता से हैं, तो सब अपने क्षेत्र के मास्टर हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि कुछ नया करूँ। ऐसा नहीं है कि किसी की हाथ पकड़ी, किसी का हाथ पकड़ा, किसी का फेस पकड़ा और एक पेंटिंग बना दी, कुछ अपना क्रिएशन करो। तो हमारे पास इतने बड़े आर्ट कलेक्टर हैं जो वो लेके जाएं, क्योंकि एक एक चीज़ को भी कितना लें, तो हम लोग आर्टिस्ट से ही गुजारिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा अगर मैं आपको आगे लाओ तो मुझे भी थोड़ा सा रास्ता आसान हो। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर साथ। कलर दुनिया है दुनिया से जुड़े हुए जो भी कलाकार हैं, मैं चेयरों लग कलाकारों को एक मंच पे लाने का जो कार्य मुझे ने किया है वो काफ़ी सराहनीय कार्य है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कलाकार अपना काम करता है, बेहतर करता है और बेहतर करने की गुंजाइश होती है, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म दिलाना और उसको आगे का सफ़र तय करना, उसके बीच का जो ब्रिज होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि सुनील जी कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से इतने सारे यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से किया है। निसंदेह ये जो भी कलाकार हैं जिनको आज नेतृत्व मिला है, यहाँ से ये लोग और आगे जाएं। और मुझे यहाँ पेंटिंग्स खूबसूरत लग रही हैं कि मैं बता नहीं सकती, और ये पेंटिंग जैसे हम देखते हैं हमें लगता है बड़ा इजी है, एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और जो भी कलाकार इसको दिल से करते हैं, सारी चीज़ों को कन्नों पे जैसे उतारते हैं, ये बहुत बड़ी कला है। और सर की बात को अप्रिशिएट करती हूँ मैं कि और ज़्यादा और अलग, जिससे कि आपको लोग जाने, और जितना आप अलग क्रिएटिविटी करते हैं उतनी आपकी पहचान बनती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं होता, ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े पत्थर की मार, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान है। तो सर ये जितने भी यहाँ कलाकार हैं ये अपनी फीलिंग, अपनी इमेजिनेशन रंगों के माध्यम से, ब्रश के माध्यम से और अनेक माध्यम से, यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, जिगर और जान लगा देते हैं इस उम्मीद में कि हमारी पेंटिंग लोगों को पसंद आएगी, दिखेगी, इससे हमारा घर चलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें उनके चाहे मुताबिक हो जाए, तो मैं हरदम यही कहता हूँ कि कभी भी नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आज नहीं बिका, कल नहीं बिका, परसों नहीं बिका, लेकिन एक दौर ऐसा आएगा लोग आपके घरों से आपकी कलाकृतियों को, आपकी पेंटिंग को, आपके काम को मांग कर लेके जाएंगे। फार्म सुनील जी गुप्ता जी ने तैयार किया है और बहुत सारे आर्टिस्टों को उन्होंने प्रमोट किया है, उनको एक मौका दिया है। और रही बात पेंटिंग की, पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं ना कि घर के दरवाजे पर आपने एक गमले में फूल खिला के रखा है, तो पेंटिंग एक फूल
की तरह होती है। आप ये समझेंगे कि पेंटिंग से हमें भोजन मिलेगा, ठीक है, भोजन मिलेगा, लेकिन पेंटिंग क्या चीज़ है? आपका मन का सुख है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तन का सुख है, धन का सुख है, लेकिन पेंटिंग जो है मन का सुख होता है। तो इसके लिए जो भी आर्टिस्ट अपने हिसाब से काम करता है ये मन की खुशी के लिए करता है। तो हम सारे आर्टिस्टों को कहते हैं कि आप तन मन धन से कोई भी काम करें, जब तक आप अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे, आप शिकायत करेंगे मेरी पेंटिंग बिकती नहीं है, आप हर पेंटिंग को एक नोट की तरह बनाएं, जैसे एक 10 रुपये का नोट किसी भी डस्टबिन में नहीं दिखाई देता है, उसी तरह पेंटिंग नोट नोट की तरह बना लेंगे ताकि कोई भी उसे देखे, उसको समझे, तो ये ना लगे कि भैया इसको ये बेकार की चीज़ें, नहीं, लोग उसको उठा लें, उसको छीन लें, चुरा लें, तब पेंटिंग की परिभाषा पूर्ण होती है। एक सबसे प्राचीन भाषा है जो हमें, जिसको हम प्री हिस्टोरिकल लैंग्वेज भी बोलते हैं। जब मनुष्य के पास शब्दों में भाषा नहीं थी तो चित्रों में ही वो अभिव्यक्ति करते थे, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का वो चित्रों के माध्यम से करते थे। पर आप कभी भी किसी भी कला को देखेंगे अगर ये एक भीतर की यात्रा है, बाहर से जो हमें दिखता है प्रकृति में वो हम अपने अंदर लेते हैं और फिर ये अंदर से फिर बाहर आता है। तो ये एक ब्रह्मांड की चेतना है जो प्रत्येक मनुष्य में भावनाओं के रूप में निहित है। यहाँ इस प्रदर्शनी के लिए विशेष रूप से आया हूँ। प्रदर्शनी देख के मुझे ये महसूस हुआ है कि यह सभी विधाओं का काम है, जिसमें लोक कला से लेकर क्रिएटिव वर्क भी है, ट्रेडिशनल काम भी है, फिगरेटिव भी है, हर तरह का यहाँ चित्रों का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, जो अक्सर बहुत कम दिखाई देता है, और ये बहुत ही एक अच्छा सुंदर प्रयास है। तौर पर जो यहाँ पे जितने भी कलाकार लोग हैं यहाँ पे एकत्रित हुए और इस भव्य समारोह में जो उन्होंने अपनी मन की जो शक्ति है, जो अपने मन की विचार है, मन की शक्ति है, उसको एक पेपर पे या एक कपड़े पे, एक पर्दे पे उतार कर जो समाज के सम्मुख उन्होंने प्रेजेंट किया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी एक कला है। इसका हम जितना भी वर्णन करेंगे उतना ही कम पड़ेगा, और जितना भी हम इसका विस्तार से अनुसरण करेंगे उतना ही कम पड़ेगा।